डेली करंट न्यूज़ डीसीएन विद वाल्मीकि सिंह यादव में आपका स्वागत है। आज के डेली करंट न्यूज़ सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे यूसीसी यूनियन सिविल कोड। यूसीसी क्या है और क्या इसे मोदी सरकार इस बार लागू कर पाएगी, तो डीसीएन विद वाल्मीकि सिंह यादव में आपका स्वागत है। विश्लेषण मतलब डीसीएन। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले आज के डेली करंट न्यूज़ प्रोग्राम पर। हमारे पास आज के मुख्य एजेंडा है कि यूसीसी क्या है और क्या इसे वर्तमान सरकार लागू कर पाएगी या मोदी सरकार लागू कर पाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। यह किसी भी पंथ जाति के लिए निजी कानूनों से ऊपर होता है। यानी कि कहने का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी के लिए एक ही कानून लाएगा। हमारा देश अलग अलग धर्म अलग अलग जाति से बना देश, जिसे हम लोग कहते हैं बराबर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में एकता। लेकिन कानूनन तौर पर हमारा देश बहुत यूसीसी में भी पीछे है। हर एक धर्म के पास अपना कानून है, हर एक जात के पास किसी न किसी प्रकार का अलग कानून है। तो इन सभी को समाप्त कर किसी एक कानून के जरिए पूरे देश के नागरिकों को लेकर चलना यूसीसी है। फिलहाल समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है। यह केवल अभी एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग, यौन अभिरुचि की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। यह अभी एक प्रकार का एक प्रस्ताव ही है, अभी तक सदन में आया नहीं है। सरकार भी कहती ही है लेकिन अभी तक सदन में आया नहीं, फिलहाल कब आएगा ये अभी किसी को मालूम नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है लेकिन समान नागरिक संहिता कानून नहीं है। पहली बार कब हुआ था यूसीसी का जिक्र? यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में भी किया गया था। इसमें कहा गया था कि अपराध, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान लागू करने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट में हिंदू मुसलमान के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ की बात नहीं कही गई थी। 1835 ईस्वी में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यूसीसी का जिक्र किया जो केवल और केवल अपराध, ठेका और सबूत जैसे मुद्दों पर समान रूप से लागू करने की ज़रूरत उस समय की गई। इसमें अभी धर्म पर उस समय नहीं जोड़ा गया कि प्रत्येक धर्मों का अलग अलग कानून वो चलेगा, लेकिन कुछ मामलों में यूसीसी लागू है। हालांकि 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए बीएन राव समिति का गठन किया गया। राव समिति की सिफारिश पर 1956 में हिंदुओं, बौद्ध, जैन और सिख के उत्तराधिकार मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए अलग कानून रखे गए थे। अब तक देश में क्यों लागू नहीं हो पाया यूसीसी? तो यूसीसी तो जान के क्या है भाई, एक संक्षिप्त है, आगे चलकर हम लोग इसे विस्तार में भी देखेंगे। लेकिन अब हम लोगों को देखना है कि अब तक देश में क्यों नहीं लागू हो पाया यूसीसी। भारत का सामाजिक ढांचा विविधता से भरा हुआ है। हालात ये है कि एक ही घर के सदस्य अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं।
अगर आबादी के आधार पर देखें तो देश में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन अलग अलग राज्यों में हिंदुओं की धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज में काफ़ी अंतर देखने को मिल जाएगा। ठीक इसी तरह मुसलमानों में शिया, सुन्नी, वहाबी, अहमदिया समाज में रीति रिवाज और नियम अलग हैं। ईसाइयों के भी नियम कानून अलग है, धार्मिक कानून। वही किसी समुदाय में पुरुष कई शादी कर सकते हैं, कहीं विवाहित महिलाओं को पिता के संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता है, तो कहीं बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। लेकिन समान नागरिक संहिता लागू होते ही ये सब नियम खत्म हो जाएंगे। हालांकि संविधान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता व सुरक्षा देने की बात कही गई है। अगर UCC लागू भी होता है, फिर भी नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के जो स्थानीय रीति रिवाज है उन्हें मान्यता और सुरक्षा दी जाएगी। राजनीतिक दलों का UCC पर क्या रुख है? भारत में कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ का सेकुलर विचारधारा है। हालांकि भारत में ऐसे देखे जाए तो हर एक पार्टियों का सेकुलर विचारधारा ही है, सारी पार्टियां अपने आप को रजिस्टर्ड सेकुलर के नाम से ही की हुई है। कुछ पार्टियां शिवसेना को छोड़कर अगर मान ले तो केंद्र में सत्तारूढ़ दल BJP ने लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में समान नागरिक कानून बनाने का वादा किया था। वही शिवसेना नेता संजय राउत ने अगस्त 2019 में UCC पर कहा था कि मोदी सरकार राजग यानी कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उस समय शिवसेना और BJP का गठबंधन ही था, तो 2019 में UCC पर कहा गया था कि मोदी सरकार यानी कि NDA में शिवसेना के उठाए मुद्दों पर आगे बढ़ रही है, ये देश हित का फैसला है। राउत का बयान उस समय आया था जब उसकी पार्टी अलायंस में थी BJP के गवर्नमेंट के साथ, और तब उन्होंने उसका कहना था कि UCC पहला कमिटमेंट हम लोगों का ही था और उस पर NDA सरकार काम कर रही है। वही इसका विरोध कर रहे AMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अक्टूबर 2016 में कहा था कि UCC सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा नहीं है, पूर्वोत्तर के कुछ इलाके के लोग भी इसका विरोध करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि यह मुसलमानों पर हिंदू धर्म थोपने जैसा है, अलग इसे कानून में लागू कर दिया जाता है तो मुसलमान में 3 शादियों का अधिकार नहीं रहेगा, शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तो हर एक धर्म गुरु का अपना अपना मानना है, हर एक पार्टियों की अपना अपना मानना है, क्योंकि पार्टियों के पास अपना एक वोट बैंक होता है कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज। तो इस अनुसार कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि लागू होना चाहिए, कुछ जो राजनीतिक दल है उनका मानना है कि लागू हो। इसमें केवल अभी AMIM जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनका मानना है कि हालांकि ये लागू होना नहीं चाहिए, बाकी जितनी भी जो पार्टियां हैं उनका मानना है। अभी तक प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं आया है, अगर सदन में आता तो पता लग जाएगा कि क्या अपोजिशन का क्या स्टैंड रहता है UCC पर। अभी तक तो नहीं आ पाया सदन में, जिस दिन सदन में उसमें पता लग जाएगा कि कौन सा राजनीतिक दल किसके साथ है, किस विचारधारा को कौन लेकर आगे चल रहा है। शीर्ष अदालत का समान नागरिक संहिता पर रुख और शीर्ष अदालत का क्या है? ट्रिपल तलाक से जुड़े 1985 में चर्चित साहो बानो मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र जैसा हो गया। साथ ही कोर्ट का मानना है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की ज़रूरत पर जोर दिया था। कोर्ट ने उस समय माना था कि समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि समान नागरिक संहिता विरोधी विचारधारा वाले कानूनों के प्रति असमान वफादारी को हटाकर राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो समान नागरिक संहिता है वह राष्ट्रीय एकीकरण में, यूनिफिकेशन ऑफ नेशन में यह मदद करेगा। बहुविवाह से जुड़े सरला मुद्गल बनाम भारत संघ मामलों में शीर्ष अदालत ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में संसद में समान नागरिक संहिता के बजाय हिंदू कोड बिल पास किया था। इस दौरान उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि UCC को आगे बढ़ाने की कोशिश करने का यह सही समय नहीं है। मतलब UCC को उस समय पंडित नेहरू ने नहीं बढ़ाया आगे, क्योंकि उस समय 1954 में देश आज़ाद हुआ था, कई सारी समस्याएं थी, इकोनॉमिकल
पॉलिटिकल बैकग्राउंड उतना भी मजबूत नहीं हुआ था भारत का, इसलिए उन्होंने हिंदू सिविल कोड पास किया था, यूसीसी को उस समय स्थगित किया ही था। गोवा के लोगों ने 2019 के उत्तराधिकारी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा करने वाले भाग चार के अनुच्छेद 44 में संविधान के संस्थापकों ने अपेक्षा की थी कि राज्य भारत के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करेगा। हालांकि अनुच्छेद 44 में यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य अगर चाहे तो वह यूनिफॉर्म सिविल कोड अपना लागू कर सकता है, लेकिन आज तक इस पर कोई कदम उठाया गया नहीं है। लेकिन अब तो उठाया गया। बीते 2 वर्ष पहले उत्तराखंड में पहली बार यूसीसी स्वतंत्र भारत के पहले राज्य बना जो यूसीसी लागू करने में सफल रहा। गोवा तो बहुत पहले से ही, आज़ादी से पहले से ही वहाँ यूसीसी लागू है। किस राज्य में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड? भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था, इसीलिए गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ सिविल कोड लागू है। 1961 में जब गोवा भारत में विलय हुआ तब वहाँ यूसीसी पहले से ही लागू था। गोवा में इसे 1867 ईस्वी में लागू किया गया। गोवा में यूसीसी कब? 1867 में लागू किया गया। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 पारित किया, जिससे उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है। तो उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना जो यूसीसी लागू करने में सफल रहा। यूसीसी के बाद क्या बदलाव होंगे? तो ये भी मानना है भाई, यूसीसी के बाद होगा क्या? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी, इससे वे कम से कम ग्रेजुएट तक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। वही गांव स्तर तक शादी के पंजीकरण की सुविधा पहुंच जाएगी। रजिस्ट्रेशन जो होता है वो गांव स्तर तक भी शादी का रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ेगा। अगर किसी कि शादी पंजीकृत नहीं होगी तो दंपति को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जितने भी सरकारी सुविधाएं हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट कराना सरकारी अस्पताल में, फिर उसके बाद कई सारी योजनाओं भारत सरकार का लाभ लेना, वो नहीं कर ले पाएगी अगर उनके पास पंजीकृत शादी का कोई दस्तावेज नहीं हो। पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार होंगे। एक से ज़्यादा शादी करने पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। नौकरी पेशा बेटे की मौत होने पर पत्नी को मिले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। उत्तराधिकार में बेटा और बेटी को बराबर का हक होगा। अगर कोई नौकरी पेशा में किसी कारणवश आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को जो मुआवजा मिलेगा उसमें मृतक के माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी उस महिला की। साथ ही उत्तराधिकारी में बेटा या बेटी को भी बराबर हक उस संपत्ति पर मिलेगा। ये बदलाव भी किए जाएंगे। पत्नी के मौत के बाद उसे अकेले माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी। अगर पत्नी मर जाती है तो उसके जो माता पिता हैं उनके माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी। मुस्लिम महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा जो अभी तक नहीं है। उन्हें हलाल और इद्दत से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। लिव इन रिलेशन में रहने वाले सभी लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। पति और पत्नी में अनबन होने पर उनके बच्चों की कस्टडी दादा दादी या फिर नाना नानी में से किसी एक को दी जाएगी। बच्चे के अनाथ होने पर अभिभावक बनने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अगर कोई बच्चा अनाथ हो गया, कोई आदमी चाहता है मैं इस बच्चों को गोद ले लूँ, तो प्रक्रिया जो आसान हो जाएगी। आज जो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है अभिभावक बनने में, अगर आप इसे बच्चों को लेते हैं कुछ करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो ठीक इस प्रकार उसमें कुछ कानूनों में सिंप्लिसिटी लाई जाएगी। भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुआ, बल्कि भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं।
हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है, जबकि मुस्लिम और ईसाई के लिए अपने कानून है। मुसलमानों का कानून शरीयत पर आधारित है। अब विश्व के किन किन देशों में यूसीसी लागू है? विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों में यूसीसी लागू है, जैसे अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई देश हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू किया है। पाकिस्तान एक ही धर्म को मानता है, इस्लामिक स्टेट है, वहाँ यूसीसी लागू कर दिया। सारे लोग जहाँ पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सबको एक ही नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। तो जहाँ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी नहीं कह सकते हैं, जहाँ बहुत सारी विविधता नहीं है, वहाँ लागू हो सकता है, लेकिन भारत जैसे देशों में अगर इसे लागू हो सकता है, जो संविधान में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 44 आप लागू कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई स्टैंड क्लियर सरकार का नहीं हो गया, केवल पॉलिटिकल पार्टी का, वो भी मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में है कि अगर हम इसे आते हैं तो हमारा फर्स्ट कमिटमेंट रहेगा कि हम यूसीसी को लागू करें। हालांकि अभी तक पार्लियामेंट में कोई बात नहीं उठी है। क्या है समान नागरिक संहिता का हाल, हाल इसका क्या? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 मतलब 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू है। वही धार्मिक मामलों में सभी के लिए कानून अलग है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। हालांकि भारत जैसे विविधता वाले देश में इसको लागू करना इतना आसान नहीं है। देश का संविधान सभी को अपने अपने धर्म के मुताबिक जीने की पूरी आज़ादी देता है। भारत धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि सब लोग अपने अपने धर्म को पूरी आज़ादी के साथ मना सकते हैं, उनका विस्तार कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो फिर इस पर आप रोक कैसे लगाओगे? लेकिन यूसीसी में तो ये बात कहीं नहीं कही गई है कि किसी एक धर्म पर रोक लगाना। हालांकि जो नियम और कानून है वो एक ही नियम कानून से सारे धर्म का रोड मैप तैयार होगा, लेकिन इसमें कहीं नहीं कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, एक नियम और कानून होगा सभी धर्म के लिए, हालांकि सभी धर्म अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अगर कोई भी अपने हिसाब से धर्म मनाने और उनके प्रचार की स्वतंत्रता रखता है। क्या बीजेपी अभी यूसीसी में कामयाब हो सकती है? 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करने में नाकाम रही। समान नागरिक संहिता को लागू करना सालों से बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। हालिया घोषणा पत्र 2024 में कहा गया था कि जब तक भारत समान नागरिक संहिता नहीं अपनाता तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती है। तो 4 जून को जो लोकसभा रिजल्ट आया उसमें किसी भी दल को प्रत्यक्ष रूप से बहुमत नहीं आ पाया। इस बार भारत में गठबंधन की सरकार है, कोरिलेशन गवर्नमेंट है, जिसमें TDPM जदयू एक अहम साझेदारी निभाएगी। इन दोनों के पास की ऑफ द गवर्नमेंट, अगर सरकार बनाने की चाबी अगर कह सकते हैं तो TDP के पास है, तेलुगु देशम पार्टी और JDU जनता दल यूनाइटेड। पिछले साल ये खबर आई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी JDU ने UCC के पक्ष में नहीं है। जो पिछले साल की खबर थी जिसमें JDU और जो उनके चीफ हैं नीतीश कुमार, वो UCC के पक्ष में नहीं है। नीतीश और JDU अब NDA का हिस्सा है। तो क्या अगर UCC आता है तो नीतीश कुमार इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, सरकार का साथ देते हैं या नहीं देते हैं, ये भी BJP के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है। ठीक इसी प्रकार तेलुगु देशम पार्टी ने भी अभी तक UCC पर कोई स्पष्ट राय जाहिर नहीं की है। पार्टी के नेताओं ने मीडिया में यह बयान जरूर दिया है कि राज्य में अल्पसंख्यकों के साथ कुछ नहीं होगा। तो TDP और JDU दोनों सेकुलर विचारधारा को मानने वाली पार्टी, और कुछ धर्म संगठन का मानना है कि UCC लागू होगा तो हम पर हिंदू कानून थोप दिया जाएगा, तो हो सकता है कहीं वोट पॉलिटिक्स के दबाव में दोनों पार्टियां आ जाए, तो सरकार का पक्ष देती है या फिर नहीं देती है, ये उस समय जब पार्लियामेंट में आएगा तब पता लगेगा। लेकिन फिलहाल इन सबों से ये जरूर सारांश निकलता है कि इस बार सरकार को UCC
लागू करना एक बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती होगी अगर वो यूसीसी लागू कर सकते हैं तो, क्योंकि फुल बहुमत मेजोरिटी की सरकार नहीं है, कोरिलेशन गवर्नमेंट है, अनेक पार्टियों के अनेक अपना अपना स्टैंड है, अपना अपना पॉलिसी है, अपना अपना उनका वोट बैंक है, उसके आधार पर सब पार्टियाँ चलती हैं तो। और नीतीश कुमार भी इसके पक्ष में इससे पहले नहीं थे, TDP ने अभी तक कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया और दो साल आगे दोनों सेकुलर पार्टियाँ हैं, तो क्या होता है स्टैंड हम लोग देखते हैं जब ये बिल सदन में आएगा और सदन में क्या होता है इस पर, तो हम लोग वहाँ पर पता लग जाएगा ना हम लोगों को कि UCC पर क्या होगा। तो देखते रहिए आप लोग इसी तरह डेली करंट न्यूज़ DCN विद वाल्मीकि सिंह यादव विश्लेषण मतलब DCN। मिलते हैं किसी अगले विशेष टॉपिक DCN में, तो आज के लिए धन्यवाद।